लक्सर में राजकीय रेलवे पुलिस ने पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी आज सुबह ही रुड़की के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिस की अभिरक्षा से फरार हो गया था। कैदी के फरार होने के बाद से ही पुलिस को एक मैसेज सर्कुलेट करते हुए अलर्ट मोड पर रख दिया गया था। घंटों तक चली कामिंग के बाद लक्सर के जीआरपी थानाध्यक्ष ममता गोला के नेतृत्व में फरार कैदी को रेलवे स्टेशन से धर दबोच लिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी कैदी पूर्व से ही जहर खुरानी के अपराध में हरिद्वार जीआरपी द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिस अभिरक्षा से कैदी के फरार होने की सूचना मिली, मगर लक्सर की जीआरपी थानाध्यक्ष की मुस्तैदी कुछ इस कदर काम आई कि फरार कैदी को कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कैदी है जिसको उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की में एडमिट कराया, तो वहाँ से वो चकमा देकर जो हमारे जेल के कर्मी थे ड्यूटी पर तैनात थे उनको चकमा देकर वो फरार हो गया। उसी की तलाश में हम लोग यहाँ सर्च कर रहे थे, हमारा ये फोर्स यहीं आ रखा था और लक्सर थाने से भी सिविल पुलिस आई हुई थी, तो सभी की मौजूदगी में सघन चेकिंग करी तो हमें ये अभियुक्त तो नन्हे उर्फ चिकना, पिताजी का नाम विश्राम है, ये जो जीआरपी हरिद्वार से चेहर खुराने के मामलों में जेल में गया हुआ था वो पकड़ा है और अब अग्रिम कार्रवाई संबंधित थाने के द्वारा अमल में लाई जाएगी। प्रतिपक्ष संवाद के लिए लक्सर से सोनू कुमार की रिपोर्ट।